हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले, इसमें हम लोग शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट का यूज करने वाले। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट कम फर्स्ट का भी यूज किया था। तो इसमें क्या करना होता है ना, आपको वहाँ मतलब जैसे यहाँ पे ये कितना हो रहा है, 143 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो 143 से जो भी सबसे पास वाला, जिसपे मतलब जाने के लिए सबसे कम टाइम लगेगा ना, हम लोग को उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सबसे छोटा होगा उसको, लाइक यहाँ पे 86, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। 143 पे है ना, तो इन सब में से सबसे कम टाइम किस पे पहुंचने के लिए लगेगा। तो अगर आप लोग देखोगे तो 147 जो है 143 के बहुत ज्यादा पास में है। तो हम लोग क्या करेंगे, 147 पे जाएंगे। तो यहाँ पे 143 से हम लोग 147 की तरफ मूव करेंगे। ये सब जो हमारा 147 है, अभी 147 से हम लोग को फिर देखना पड़ेगा कि उसके सबसे पास में कौन सा है। तो लाइक 86 91 है तो बहुत दूर हो गया। हाँ, 150 देखो पास में है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 147 से जो है 150 जाएंगे। अभी 150 से हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो 150 से अगर मैं चेक करता हूँ ना, तो 130 में 20 का डिफरेंस है और 175 में 25 का है, 170 से 27 का है। तो हम लोग को यही कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हो रहा है ना, उसको मैं कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ ताकि हम लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो 147 हो गया हमारा, 150 हो गया। 150 से हम लोग क्या करेंगे, 130 की तरफ जाते हैं। तो 150 से यहाँ पे हम लोग 130 हमारा समझो यहाँ कहीं होगा, तो ये हमारा हो गया 130। तो 130 भी हो गया हमारा। अभी 130 से पास में कौन सा है, 130 से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो 102 पे अगर हम लोग जाते हैं तो वो सबसे पास में, इसलिए हम लोग 130 से यहाँ पे 102 पे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा समझो 102। अभी 102 से पास में कौन सा है, तो 102 से अगर आप लोग पास में देखोगे तो 94 है। तो 102 से हम लोग कहाँ जाएंगे, 94 की तरफ जाएंगे। समझो ये हमारा यहाँ पे 94 है। अभी ये हो गया हमारा 94 से पास में कौन सा है, 93 है। तो 94 से हम लोग यहाँ पे 93 की तरफ जाएंगे। समझो ये हमारा हो गया यहाँ पे 93। 93 से पास में कौन सा है, सॉरी 91 था ये, 91 से पास में हमारा कौन सा है, 86 है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 86 पे जाएंगे यहाँ पे। समझो ये हमारा हो गया 86। अभी 86 से ये तो हो गया हमारा, बचा क्या हमारे पास, 177 एंड 175। तो 86 से पास में कौन सा है, 175। एक्चुअली में ये पास में है, लेकिन अगर आप लोग 177 से कंपेयर करोगे ना तो एक्चुअली पास में है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से 175 जाएंगे जो कि यहाँ कहीं होगा। तो ये हो गया हमारा 175। अभी 175 से हम लोग कहाँ जाने गए, 177 से 177 तक हम लोग इसको दो आगे ले लेते हैं। जो ये हमारा हो गया 177। अभी हम लोग को टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, हम लोग को 143 से स्टार्ट किया था हम लोग ने, 143 से कहाँ 147 गए ना। तो क्या हो जाएगा, 147 माइनस 143 प्लस यहाँ 143, 147 से कितना गए, 150 गए। तो होगा 150 माइनस 147, 150 से हम लोग कहाँ गए थे, 130। तो क्या हो जाएगा, 150 माइनस 130, फिर प्लस 130 से हम लोग 102 गए। तो 130 से 102 प्लस यहाँ पे 102 से 94 गए, तो 102 से 94 प्लस 94 से हम लोग गए 91, तो ये 91। फिर 91 से हम लोग गए 86, तो 86 हो जाएगा। 86 से हम लोग कहाँ गए, डायरेक्टली 175। तो क्या हो जाएगा, 175 माइनस 86, और यहाँ क्या हो जाएगा, 177 माइनस, और 175 से 177 गए तो 177 माइनस 175। तो इन सबको अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ये वैल्यू आएगा, सभी को ऐड करने का 162 है। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ हेड मूवमेंट आएगा 162। इसका ऐड करने का एक और मूवमेंट होता है, लेकिन एक और मतलब सॉल्यूशन होता है, उसमें हम लोग एक कंसिडर करते हैं फिर डायरेक्शन के हिसाब से करते हैं। बट वो मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है तो इसलिए मैंने नहीं बताया। आप ये मेथड से करोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आप क्वेश्चन समझा।